Hi, how are you? Hi. Welcome to Bengaluru. Thank you. By the way, meet my SCP Sambhaya. Hello. Nice meeting. Hello Ravi, how are you? Sir, this is Major Shivaram, our NSG Operation Commander. Oh, well, nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Sir, वो टेलीफोन नंबर ट्रेस करके आइडेंटिफाई कर लिया है सर, वो इंदिरा नगर का है, सिंगल स्टोरेज हाउस, पॉश एरिया में है सर। सर, ब्लू फिएट कार और ग्रीन जिप्सी कल रात आई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। यू आर राइट सर, कोयंबटूर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शिवराजन गैंग के पॉलिटिकल लीडर तिरुचि सेल्वन कभी कभी मिलते रहते हैं, उसी की है वो ब्लू प्रीमियर फिएट कार, और वो जिप्सी अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो उसको लेकर जाने के लिए। सो आई गेस वी हैव टू गो इन फॉर ए स्विफ्ट ऑपरेशन। डन सर। शिवा, ऑल इज योर्स। सर, ऑपरेशन से पहले मैं उस घर को सर्च करना चाहता हूँ। सांभैया, आई वांट टू रेकी दैट प्लेस। श्योर सर, आई विल टेक यू। सर, अब मुझे उस घर का ब्लू प्रिंट चाहिए। वहां से आने से पहले तुम्हारे टेबल पर रेडी होगा। सांभैया, इस कॉलोनी के बारे में बताओ जरा। वेरी डिसेंट कॉलोनी है सर, यहाँ आसपास के लोग बात नहीं करते। सर, यही वाला घर है। ड्राइवर, कार पीछे लो। ओके बॉयज, ये है हमारे ऑपरेशन की जगह का ब्लूप्रिंट। अगर वो लोग फायर करते हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट फायर टू किल देम। अगर उनसे कुछ भी गलती हुई तो वो लोग साइनाइड खाकर सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, और कमांडो के बंदूक की गोली से भी जल्दी मारता है साइनाइड, ये तो पता है ना। अलर्ट एंड फास्ट एज अ बुलेट, डोंट लूज एनी चांस फॉर सरप्राइज। ओके ओके मेजर, मी एंड माय हेड इज ऑलवेज फॉर यू। दीपक सर, टेन एंटर द हाउस फ्रॉम द बैक साइड, वी विल एंटर फ्रॉम द टॉप, मूव करेक्टली, एब्सोल्युटली एट द स्पॉट। Deepak sir, wait for my command. When I signal, then go for the action. Huh.
Surprise lost! Blast! Hey, what the hell is this? There was nothing in blueprint here. Hey, come on, go back. Give me gun. Not Tariki. Call the doctor. Call the doctor. यहां क्या कर रहे हैं आप लोग? What the hell are you doing, man? Come on, give it soon. I'll do it, sir. Call the doctor. Okay. Give him the oxygen right now. Take him to the hospital, man. Move. सर, ब्लूप्रिंट में दीवार भी नहीं है. इलीगल तरीके से हाउस ओनर ने दीवार एक्सटेंड की है. दैट डिलेड मी 15 सेकंड्स. घर में कुछ करना है तो इसकी इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपैलिटी को दी जानी चाहिए. ये बात सीरियसली नहीं ली गई सर. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज अ मैन. And why don't you blast the back door? Shiva, please, at least mind your words. I'm your senior officer. Ma'am, yes sir. And tum log itne din mere saath the. Why didn't you do that? Shiva, please. It's my fault. Okay? I admitted it's my fault. See, this is my first operation. Okay? सर, आपको पता है कमांडो के लिए एवरी ऑपरेशन इज अ फर्स्ट ऑपरेशन. अगर फर्स्ट ऑपरेशन में हार गए तो वही लास्ट ऑपरेशन होता है. एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑपरेशन. एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन. सर, इस तरह का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट हम जैसे ऑफिसर्स को ज्यादा तनख्वाह देती है. सो इट्स आवर प्रिविलेज टू फेस द एनिमी फर्स्ट. कम ऑन, टेक हिम. Thank you.
पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी श्री पेरुम्बदूर में आज रात चुनाव के प्रचार सभा में आतंकवादियों के द्वारा किए हमले में मारे गए हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का निधन हो गया है। ये देश के लिए बहुत शोक की बात है। In a shocking news that has just arrived, we are grieved to report that our former Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, has been assassinated at Sri Perambudur in the outskirts of Madras city at 10:20 this evening in a bomb explosion. Explosion, whether it's a landmine or a grenade attack, is not known. 15 others are also reported to have been killed, and 47 have been injured in this gruesome incident. No terrorist outfit has claimed responsibility as yet, and government reaction on this devastating incident is eagerly awaited. Whole nation is in a grip of shock. We have got direct recruitment from CBI headquarters to send a team to SIT Madras regarding Rajiv Gandhi assassination. I was suspecting, sir. My boys are ready to move at any time. Kumar is sending his team commander. I think Major Shivram is the one to handle such a sensitive operation. Right. Send him immediately. Sir, choti si problem hai. What? Wo leave mein hai, sir. So what? Call him back. Lekin wo abhi kahan hai? Actually, I don't know, sir. What do you mean? Sir, he is a crazy driver. He is driving Delhi to Kerala. वो अकेले ड्राइव करके गया है सर. Anyway, वो कहीं भी हो, I will get him back, sir. In the meantime, मैं उसकी टीम को दीपक के साथ ही भेजूंगा. शिवा सर के बिना इतना बड़ा ऑपरेशन? शिवा सर कैसे भी वहाँ जाते हैं? उसको चिल्लाने दो, मैं देख लूंगा. मुझे पुलिस का सपोर्ट है. विजय सर उनको कैसे भी पकड़ लेंगे. शिवा सर के साथ काम करने का चांस अब मिला है. सुनो, जब साहब वापस आएंगे ना, ये बात बोल के उनको छेड़ना मत. पिछली बार मिल गया ना तुम लोगों को. ओ, सिंसियर सिंसियर साहब का सिंसियर फॉलोअर है ये. जो देना है वो दे दिया होता तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं. अरे लेट हो रहा है ना. ए, चलो चलो बेटा, हमें जाने दे बेटा. देखिए ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है, आप जल्दी ट्रैफिक क्लियर कर दीजिए, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है प्लीज. कुछ भी हो, शिवा सर होते हैं ना तो ऑपरेशन में स्प्रिट अलग ही होती है. ये बात पता चली ना तो वो भाग कर आएंगे. हाँ वो भी सही है. तुम लोगों में दम है तो आगे जाके दिखाओ. ए, ए, आ, 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 हेलो, शिवा सर के बिना इस ऑपरेशन पर जाने के लिए डर लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर. शिवा सर अगर ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. I am Major Shivam, Black Cat Commando. Where is he? Sir, उसका रेसिडेंसी नंबर भी ट्राई किया सर. एनीवे, ही मे रीच एट एनी टाइम. सॉरी सर, आप कौन है मालूम नहीं था इसलिए. देखो ये पुलिस यूनिफॉर्म जनता की सेवा करने के लिए है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है. पता है हमारी जनता रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी क्यों देती है? ताकि यहाँ के रोड अच्छी तरह से चले और ब्रिज भी खुले रहे. लेकिन रोड को बंद करके उन्हें तकलीफ देना ठीक नहीं है. मैं माफी चाहता हूँ सर. दूसरी जगह पढ़ाई करने बच्चों को माँ बाप कहते हैं कि बेटा अगर वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ हो तो पुलिस को फोन करना. लेकिन उन्हीं बच्चों को यूं रोक कर उनसे पैसा ले रहे हो पुलिस के नाम पर. एटलीस्ट अब तो बदलो सर. आपका नाम क्या है? सचित. ओके सचित, थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग जेंटलमैन. सर, दिस इज मेजर शिवराम, आवर एनएसजी ऑपरेशन कमांडर. सो यू आर द मैन. सर, नाइस मीटिंग यू. गुड मॉर्निंग मेजर शिवराम, आई एम पार्थिवन, आवर एसआईटी चीफ. सर, प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सर. ओके डीआईजी रवि, कैन वी हैव ए रन डाउन, अ कंप्लीट ब्रीफिंग
as to where we are as of now. Let's take it. Sir, श्री राजीव गांधी जी के केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले श्री परमदूर सीआई मिस्टर मधुरम जी ने हमें कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए हैं सर. एज पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट एविडेंस जहां ब्लास्ट हुआ उस जगह पर मिला हुआ कैमरा, और उसमें 10 फोटोग्राफ्स भी हैं सर. लाइट्स ऑफ. सर, लेट अस सी दिस फोटोग्राफ. ये ऑरेंज ग्रीन सलवार कमीज पहनी हुई लड़की घटना के वक्त ये जैकेट पहनी हुई है. इस जैकेट के बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. अनदर थिंग, जर्नलिस्ट की तरह दिखने वाला ये आदमी घायल हुए लोगों में और मरे हुए लोगों की लिस्ट में मौजूद नहीं है. इतना ही नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. तो मेरा सोचना है इस आदमी की इस मर्डर केस में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी. इसके साथ ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एक्सप्लोजन की जगह पर मिले हुए 100 से भी ज्यादा मेटालिक प्लेट्स. नाउ अब इस फोटोग्राफ को देखें. यहां बैठी हुई इन दो लड़कियों के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. दैट मींस ये लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. और ये घटना के बाद उस जगह से हमें मिले हुए डेनिम जैकेट के पीसेज हैं. आरडीएक्स से संबंधित बहुत सारी खतरनाक चीजें इसमें मौजूद हैं, ऐसा फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है. नाउ जेंटलमैन, ये फोटोग्राफ लेने वाला कैमरा ब्लास्ट में मारे गए फोटो जर्नलिस्ट हरि बाबू का है, ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है. हरि बाबू की खींची हुई 10 फोटोज में से 9th फोटोग्राफ ये है. जेंटलमैन, पॉइंट टू बी नोटेड इज ये फूल देने वाली वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी. ग्रीन ऑरेंज सलवार कमीज पहनी हुई लड़की ने जैसे ही हार पहनाया उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. इस लड़की के शरीर का मध्य भाग ब्लास्ट में जल गया था. इसका मतलब इस लड़की ने ही कमीज के अंदर वो जैकेट पहना होगा. दैट मींस दिस एक्सप्लोजन मोस्ट सर्टेनली हैज टेकन प्लेस विद अ प्लान कॉन्स्पिरेसी ऑफ किलिंग मिस्टर राजीव गांधी विद अ ह्यूमन बॉम्ब. हत्या करके साइनाइड खाकर मरने के लिए भी तैयार होने वाले ये डेडिकेटेड ट्रेंड मिलिटेंट्स होंगे. इनको पकड़ने के लिए सीबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और उसके लिए कमांडो ऑपरेशन चाहिए. दैट इज द मिशन ऑफ मेजर शिवराम एंड हिज टीम फ्रॉम एनएसजी. सर, आई एम जूली फ्रॉम मातृभूमि ऑफ इंडिया. इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बताएंगे आप? अभी बताने के लिए कुछ नहीं है. लंदन में हुए एलटीटी का लीडर पद्मनाभन, खालिस्तान का लीडर जगदीश, जेकेएलएफ के लीडर का भी इस केस से कोई संबंध नहीं है ऐसा बोल रहे हैं. अगर ये लोग नहीं है तो किसने ब्लास्ट किया? यू नो एवरीथिंग. सर, वन मोर क्वेश्चन. व्हाई आर कमांडोस फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन? सर्टेन पीपल आर डेजिग्नेटेड टू डू सर्टेन थिंग्स. एनीवे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू द प्रेस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. बॉयज, आस्क मेजर टू अरेंज अ मीटिंग इमीडिएटली. ठीक है सर. थैंक यू. शिवा सर आ रहे हैं. जय हिंद सर. जय हिंद. वेल, सर्विस में मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन कर्नल विजय के ऑर्डर से नाउ ऑनवर्ड्स यू आर द ऑपरेशन कमांडर, सो टेक ऑन. थैंक यू सर. सिट डाउन बॉयज. सब लोग आ गए ना? हाँ, शाम भी. जी सर. ओके बॉयज, हम यहां राजीव गांधी मर्डर केस के अपराधियों को पकड़ने के लिए आए हैं और हमें उन्हें पकड़ना है, मारना नहीं है. अब तक मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एलटीटी ने ही ये सब कुछ किया है. वो लोग छुपकर फाइट करते हैं और पकड़े जाने पर साइनाइड खाकर आत्महत्या कर लेते हैं. यही उनकी टेक्निक है. वी आर ट्रेंड टू किल एंड दे आर ऑल्सो ट्रेंड टू किल, बट उन लोगों ने मरने के लिए भी ट्रेनिंग ली है. बस यही फर्क है उनमें और हमें. सो दिस इज देयर सुइसाइड वेपन, साइनाइड कैप्सूल. और इसीलिए ये केस पुलिस या सीबीआई को नहीं दिया है, बल्कि ऑपरेशन एक्सपर्ट समझकर हमें दिया है. ये साइनाइड खाने की एक पिक्चर है. जैसे ही पकड़े जाने का डर होता है तो इस साइनाइड कैप्सूल को खा लिया जाता है और ये मुंह में जाते ही ब्रेन को डेड कर देता है. तो इसलिए हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही एक ऑप्शन है. लेकिन सर, साइनाइड मुंह में जाते ही उनकी डेथ हो जाएगी, तो हम उनको जिंदा कैसे पकड़ेंगे सर? डॉक्टर, यू हैव गॉट एंटीडोट विद यू? यस मेजर, प्लीज एक्सप्लेन. यह है एंटीडोट. जिसने साइनाइड खाया है, अगर उसे 45 सेकंड के अंदर इसे इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो बच सकता है. सो जेंटलमैन, वी हैव गॉट 45 सेकंड्स ओनली. साइनाइड खाकर मरने वाले और हमारी जीत के बीच सिर्फ इतना ही समय है. वी हैव ओनली 45 सेकंड्स.
इंडिया में फर्स्ट टाइम साइनाइड खाने वालों को पकड़ने का मिशन कमांडोज को दिया गया है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस ऑपरेशन। ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ वी शुड प्रोटेक्ट द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो यूनिफॉर्म इन द ऑपरेशन, तो तैयार हो जाओ। उनको आप कैसे जानती हैं और कब से जानती हैं? वो लोग किराए पर उस घर में रहते थे सर। वो घर में एक लड़की भी थी, उस लड़की का नाम था नलिनी। वो अडियार में कुछ जॉब करती थी। जॉब किस कंपनी में करती थी ये मालूम है आपको? वो तो पता नहीं है सर, पर कुछ दिनों से वो लड़की अकेली रहती थी। फिर एक दिन एक आदमी भी आया था। एक बार मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो लवर है। उनके पेरेंट्स किधर रहते हैं? वो कुछ मालूम नहीं है सर, लेकिन एक आदमी यहाँ आता जाता रहता था, उसका नाम है दासू। नलिनी और दासू इस फोटो में है क्या? नहीं सर, सिर्फ नलिनी है। सर ये नलिनी है। Who is this? इनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये लोग भी उसके घर में आते थे। और एक बात है सर, उस जंक्शन में दंडपांडी टेलीफोन बूथ है सर, कभी कभी ये लोग फोन भी करते थे। और हाँ, एक दिन ना ये सब लोग मिलकर एक ही ऑटो में गए थे, वो मैंने देखा था सर। उसके बाद वो वापस नहीं आए। सर, उन लोगों के बारे में कुछ बताया तो इनाम मिलेगा ऐसा सुना था। आप हमसे मत पूछिए, पुलिस स्टेशन में जाकर बताइए, वही आपको बताएंगे कि क्या मिलेगा और क्या नहीं। सर मैं शिवाजी बोल रहा हूँ। यस सर, मैरी के मुताबिक बूथ से किए गए सारे कॉल्स बेंगलुरु किए गए। ओके। उसके बारे में ट्रेस कर रहे हैं सर। सर हमारे पास एक फोन आया, बताया गया कि सिटी हॉस्पिटल में एक नर्स के पास दो वायरलेस फोन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है सर, उसमें से एक वायरलेस सेट एक दूसरी नर्स को दिया है सर। उस नर्स के बेटे भाग्यनंदन का एक प्रिंटिंग प्रेस भी है सर, उसी प्रिंटिंग प्रेस में LTTE के बुक्स प्रिंट हो रहे हैं। ही इज अ LTTE सपोर्टर सर। ओके सर। ये प्रिंटिंग प्रेस आप ही की है ना? हाँ जी, मेरे बेटे का ही है। वो किधर है? और ये LTTE प्रिंटिंग सब कॉन्ट्रैक्ट है क्या? उसको ही मालूम होगा। तो किधर है वो? वो बाहर गया है। शिवा, आई थिंक ही इज नॉट हियर। नर्स होकर भी प्रिंटिंग प्रेस चला रही हो क्या? ये मशीन ऑफ करो। उसको पकड़ना है, उसे मारो मत। हमें पार्थिवन सर ने सख्त हिदायत दी है, हमें थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं करना है। आई नो व्हाट आई हैव टू डू। मिस्टर सलीम अली। या अपराधियों के पीछे भागकर उनको पकड़ने के लिए हम पुलिस वाले नहीं बल्कि ब्लैक कमांडोज हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द साइट। व्हाट हैपेंड? CBI सर, आप अपराधियों के बारे में पेन से लिखते हैं और हम लोग AK-47 गन से लड़ते हैं। हमें परेशान मत कीजिए।
भाग्य नंदन। हाँ सर। ये सब कौन है? ये मेरी बहन नलिनी है सर, बगल में शुभा है। और ये? धनु सर, उसका ओरिजिनल नाम अनबू है। ये बताओ, नलिनी के घर में दास नाम का एक आदमी आता था, वो कौन है? वो दास नहीं है सर, मुर्गन है। हाँ हाँ हाँ, ओके। और ये कौन है? शिवा राजू, उसका और एक नाम है, रवि भी है सर। ग्रुप में सब लोग उसे रोवन्ना बुलाते हैं सर। ओहो, अभी ये सब कहाँ मिलेंगे? शिवराजन और शुभा अब किधर हैं मालूम नहीं है सर, लेकिन नलिनी और मुर्गन तिरुपति गए हैं सर। शिवा, ट्रेसी टाउन। हेलो, एसआईटी है सर? हाँ है। एसआईटी मद्रास ही है ना? हाँ बोलिए। सर मैं त्रिची से बोल रहा हूँ, मुर्गन और नलिनी के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। सर कॉल फ्रॉम त्रिची, मुर्गन और नलिनी के बारे में बोल रहा है। हेलो सर। हाँ सर, मैंने आपका एड देखा है सर, मुर्गन और नलिनी साथ में त्रिची से विलुपुरम गए थे, शायद वो उनकी माँ के घर गए होंगे, आज वो दोनों सर बस से मद्रास गए हैं। विलुपुरम से क्या सर? वो दोनों लोग तिरुपति से सीधे त्रिची गए हैं, नलिनी के पुराने दोस्त के घर पर, फिर उनको कुछ डाउट हुआ तो फिर वापस चेन्नई आए हैं, सैदापट में बस से उतरे हैं, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। आप लोग वहां जाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। वो लोग ऑटो नंबर TMC 1820 में जा रहे हैं। बैठो, मैं आता ठीक है। नलिनी को कवर करो। ठीक है सर। आप नलिनी हैं क्या? एजी! Don't move. छोड़ो मुझे। पीछे पीछे। छोड़ो। नहीं छोड़ो मुझे। जल्दी अंदर करो। छोड़ो। हरि अप। Come on, भाग। चलो। Oh!
आई एम टॉलरेटिंग यू सो लॉन्ग. एम्ब्रस सर, प्रॉब्लम तुम्हारी लैंग्वेज में है. आई टेक केयर ऑफ हिम. तुमसे तो मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा. तुम्हें हंसी आ रही है? 4 घंटे से हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम. बता नहीं तो मार डालूंगा. मत, रुक जाओ. ए, क्यों 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 रुक गया? मारना, जान से मार दे मुझे. क्या हुआ, डर गए क्या? मारो मुझे, साइनाइड ला कर दो, खाकर अभी मर जाऊंगा. लाओ लाओ ना. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं. तुम टाइम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, चले जाओ. मेजर मुर्गन और नलिनी की मेडिकल रिपोर्ट्स. सुन, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी बीवी बताएगी सब कुछ. तुम दोनों ने तिरुपति जाकर वहां पर शादी की है, ये बात हमें पता है. किसने कहा कि हमने शादी की है? बोलो किसने कहा? दिस इज पॉजिटिव मेजर. मेरा उससे कोई संबंध नहीं है. किसने कहा कि हमारी शादी हो गई है? बोलो किसने कहा कि वो मेरी बीवी है? अगर वो तेरी बीवी नहीं है तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप कौन है? मैं तेरे ही मुंह से बुलवाऊंगा. सर 1 मिनट. सर ही विल स्पीक, गिव मी अ चांस. आपको कमांडो टेक्निक पता है ना? वी आर नॉट सपोज टू मैन हैंडलिंग. आई नो सर, लीव इट टू मी. ऑल राइट, थैंक यू. मारिए मत सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है. मत मारिए सर, मत मारिए, हमें कुछ नहीं मालूम सर. बोल, मुझे कुछ नहीं मालूम. बोल, मैं कह रहा हूँ. नो, क्यों मार रहे हो उसे? 3rd degree क्यों दे रहे हो? तो फिर और हम क्या करें? ये कुछ बता भी तो नहीं रहा है. मुगल, चल मुगल, सच बता. बोल जल्दी. अगर सच नहीं बताया तो बहुत मारूंगा. बता, क्यों मार रहे हो उसको? अरे क्यों टॉर्चर कर रहे हो उसको? उसको बोलो कि वो उसे मारे नहीं. क्या चाहिए तुम लोगों को? पूछो, क्या पूछना है मुझसे? उनको बोलो कि रुक जाए. बताता हूँ मैं, बताता हूँ मैं, सब बताऊंगा मैं. रुकने को बोलो. श्याम, शिवा को रुकने के लिए बोलो. यस सर. बोल बोल मुंह खोल. बोल 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 जल्दी. सर यस, वो बोलने के लिए तैयार है. ओके, थैंक यू शांति, थैंक यू वेरी मच. इट्स ओके सर. मैं LTT में बॉम्ब तैयार करने में एक्सपर्ट हूँ. मैं इंटेलिजेंस ग्रुप में काम करता हूँ. हम 4 लोग मिलकर राजीव गांधी को मारने के लिए विलापाडु गए थे. मैं, शिवराजन, बेबी सुब्रमण्यम, हमें सपोर्ट करने वाला मुथु राजू है. मैं पहले ही आ गया था फरवरी के महीने में. फिर उसके बाद शिवराजन इधर आया था. ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के बाद हम लोग शुभा को लेकर यहां से श्रीलंका चले गए थे. ऑपरेशन के वक्त ही ब्लैक टाइगर का लीडर सुसाइड करने वालों के लिए एक दावत रखा था और उसके साथ फोटो खींचने का अरेंजमेंट किया था. और इसीलिए दानू हमारे लीडर को मिली थी. दानू को हमारे लीडर ने इस बारे में सब कुछ बताया था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है. हमारे सिनलीस के लिए तुम एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने जा रही हो. तुम्हारे इस वीरतापूर्वक काम में आहुति देने पे तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा. अब तुम इस मिट्टी में सबकी बेटी बन के रहोगे. तुम्हारे इस त्याग को हम नहीं भूलेंगे. तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करेंगे. इस लड़ाई में मरने वाले सारे लोग मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे. तुम कुछ भी सोचो मत, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो. हम सब तुम्हारे पीछे ही रहेंगे. कई सालों से ये लोग हमारे ऊपर हुकुम चला रहे हैं. उन लोगों को सबक सिखाना है कि विश्वासघात करने वालों के खिलाफ हम खड़े हैं, और उन्हें बताना है कि हम मरने और मारने के लिए भी तैयार हैं इस मिशन के जरिए.
आईपीएफ के टॉर्चर से बचने के लिए साइनाइड खाकर मरे हुए हमारे उन लोगों का बलिदान तुम्हारे दिल में दस्तक देता रहना चाहिए। इस लड़ाई में हमारी जीत और हार तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तभी हमारा मकसद पूरा होगा और हमारे सिंघाले लोग खुश होंगे। शिवराजन के नेतृत्व में 9 लोग यलापलम से इंडिया आ रहे थे। मई के महीने में वेडा के जंगल में हम लोग उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। टॉर्च मुझे दे। जी भैया। वॉकी टॉकी दो। सिंथा भाई सब सेफ है, आ जाओ। ठीक है भाई, आ रहे हैं। दो मुझे। तंबी भाई हाँ सर, इसे देखिए, इस पे 5 किलो सोना है। 10 से 15 लाख मिल जाएगा। आप जल्दी से इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ। डिक्शन हाँ इधर आइए, आप कोयम्बटूर ऑपरेशन के लिए काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। तिरुचि चंदन को मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बोलो। हाँ। कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए। हाँ। ओके ठीक है। उनको छोड़कर हम लोग मद्रास वापस आ गए थे। शिवराजन और शुभा अभी कहाँ है? ऑपरेशन होने के बाद रघु मुझसे बात करने के लिए भाग्यनादन के घर आया था। उसके बाद मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और तंबी अनन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। वैधारण्य में तुम लोगों को कौन हेल्प कर रहा था? शानमुगम। किस तरह की? कोयम्बटूर में तैयार किया गया एक्सप्लोसिव सियालपलम से ले जाने के लिए शानमुगम की हेल्प से ही हम वैधारण्यम ले गए थे। यहाँ पे सर। इधर है सर, ये देखिए। सनी। हाँ सर। श्याम डिग इट आउट, बी केयरफुल। ठीक है सर। I think we'll get something. Boys, be careful. Yes, sir. Look at the amount of explosives. अरे नमक हराम, तू ऐसा काम करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? तूने इस देश को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये कौन है? अच्छे आदमी को मारने। ये शनमुगम का मामा है, ये भी एक स्मगलर है, अब पुलिस की कस्टडी में है। कुत्ते की मौत मरेगा तू पापी, तू मरेगा। इसको लेकर जाओ यहाँ से। मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, तू एक देशद्रोही है, तू मरेगा। ऐसे जीने से तो अच्छा है तू मर जाता, मर जाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेरी आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। अरे नमक हराम, तू ऐसा काम करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तूने इस देश को धोखा दिया है। ए शानमुगम। हाँ? खाना क्यों नहीं खा रहा है रे? भूख नहीं है सर। हाँ तुम तो होटल में हो ना, नवाबी खाना चाहिए तुमको। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। एलटीटी से पैसा लेकर फंस गए हो इस केस में तुम लोग, अब जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। सर थोड़ा पानी दे दीजिए। उधर है, जाके ले ले।
यार ये नाइट ड्यूटी हमारी किस्मत में ही लिखी है क्या? अरे हम कर भी क्या सकते हैं। पहले किसने देखा था? इसने देखा था सर। ए, तुम इधर आओ। तुमने देखा था क्या? हाँ साहब। नाइट ड्यूटी पे कौन था इधर? पी के सोए हुए थे क्या? ये कोई लोकल केस नहीं है, सीबीआई केस है। वहां से फोन पे फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं मैं? किस्मत फूट गई, किस्मत फूट गई। बॉडी नीचे उतारा और फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ओके सर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस केस? हाउ कम षणमुगम कमिटेड सुसाइड? टेल मी। सर लोकल पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। आई डोंट टेक एक्सक्यूजेस, यू मस्ट नो दैट। टेल दैट डीआईजी रवि, ही मस्ट सबमिट हिज डिटेल रिपोर्ट इमीडिएटली ऑन दिस केस। सर तिरुची में श्रीलंका के शरणार्थी के कैंप के पास भास्कर नाम के आदमी को पकड़ा है। उसे पता है कि इस वक्त शिवराजन कहां पर मिलेगा। कहां मिलेगा? सर कोडम्बियूर में यदुरई कॉलोनी। ओके, मैं शिवराम को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। ध्यान से काम करना, हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भाई यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वहाँ जो खड़े हैं ना वही हैं। क्या भाई, क्या चाहिए? इधर आओ। भाई कुछ काम है तो हमें बताइए ना। काम चाहिए क्या? हाँ भाई। क्या काम कर सकते हो? सारे काम कर देंगे भाई, बस पैसा चाहिए। अच्छा, एरिया में नए आए हो क्या? हाँ भाई। शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है ठीक है, वहाँ पर सुंदर होगा, उसके पास जाओ, जो काम देगा वो करना, समझ गए ना? जाओ जाओ। उस घर में कितने लोग रहते हैं? पहले शिवराजन रहता था सर, पर अब कितने लोग रहते हैं नहीं पता सर। ये शिवराजन हमें पर्सनली मिल सकता है क्या? पहले वो पकड़ में तो आ जाए, हमारा काम हो गया तो आपके हवाले कर देंगे, उससे काम क्या है? अरे उसकी एक आंख तो पहले से नहीं है, मैं दूसरी भी निकाल लूंगा, कम से कम किसी के काम तो आएगी। सलीम अली, आखिर किसने इनको शिवराम सर की ट्रूप में रखा है? ऐसे क्या देख रही है रे, जाके काम करो ना, जल्दी काम करो, जल्दी करो, यहां से सामान को हटाओ। ए इधर आ, इधर रेत खत्म हो गई है, जल्दी से डाल। तुम इधर देखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। ठीक है। ए इधर बारात में आए हो क्या? जल्दी निकलो वहां से। समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोला जल्दी हाथ चलाओ। सर मैं राज बोल रहा हूँ। राज कैरी ऑन, अंदर कोई है क्या? अंदर कौन है पता नहीं सर। देन कंफर्म इट एंड लेट मी नो। फ्रंट डोर क्लोज है सर, विंडो भी क्लोज है, बैक डोर भी बंद है सर। ब्लास्ट करके जाओ, ओवर। वी कैन मैनेज इट सर। राइट, गो टू द बैक डोर एंड वेट, आई विल जॉइन। आउट। ओके सर, आउट। मूविंग ऑन साइट सर। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये सब क्या कर रहे हो? ए कौन हो तुम? ए अंदर क्यों जा रहे हो? ए चिल्लाया तो शूट कर दूंगा। ए भगवान ये क्या हो रहा है? इधर दो सर। शिवा बोल रहा हूँ, हम घर के अंदर पहुंच गए हैं, सब सेट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। Thank you.
सर्च। बी केयरफुल, टेक इट आउट। ओपन। सो टिकट वो नहीं है, ये रुको। ये शिवराजन की आर्टिफिशियल आंख है, मतलब वो इधर ही है। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे मामा भास्कर ने हमें सब कुछ बता दिया है। आओ बताओ, तुम लोग जिसे रघु अन्ना बोलते हो वो शिवराजन किधर है? सर वो ऑपरेशन के बाद दो बार इधर आया था सर, वायरलेस से यालपनी से कांटेक्ट करने के लिए सर। तुम्हारा और शिवराजन का क्या कनेक्शन है? सर मुझे रघु अन्ना ने श्रीलंका से शरणार्थी बनाकर यहाँ भेजा था सर। क्यों भेजा है? उन लोगों को ऑपरेशन करने के लिए इंडिया में एक सेफ प्लेस चाहिए थी सर, अगर वो लोग यहाँ आते तो उन्हें कोई भी घर किराए पर नहीं देता, इसलिए। इस वक्त वो किधर है? हमें कुछ नहीं पता सर, ब्लास्ट के पहले सब लोग यहाँ से चले गए थे, हमें सिर्फ नलिनी के बारे में पता है सर। देखो बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता है ये बात हम जानते हैं। बेहतर होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। मुर्गन से मिलने के बाद ही उनके बारे में मुझे पता चला। श्रीलंका में हो रहे तमिल लोगों की दुर्दशा के बारे में मुर्गन ने ही मुझे बताया था। राजीव गांधी जी द्वारा शांति के लिए भेजे हुए IPKFO तमिल लोग जो नर्क यातना भुगत रहे थे उनके बारे में सुनकर मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने मुर्गन के साथ हाथ मिला लिया। उस घर में हम सब एक परिवार की तरह रह रहे थे, फिर हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। मुर्गन और एक भैया मिलकर शुभ और दानु को विल्लुवाकुम में हमारे घर लेकर आए थे। उसी दौरान VP सिंह इलेक्शन के प्रचार के लिए मद्रास आए थे, उनको फूलों का हार पहनाने के लिए दानु और सुबह के साथ मुझे भी लेकर गए थे। राजीव गांधी जी की हत्या करने के लिए वो एक ट्रेनिंग थी, उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या करने के लिए 3 दिन पहले ही बेल्ट बॉम्ब पहनाकर एक रिहर्सल भी करवाई थी। तेरा नाम इतिहास में होगा। दर्द हो रहा है। पीछे है वो फर्स्ट और आगे है वो लास्ट, समझ गई ना? ठीक से याद रखना, पीछे वाला स्विच फर्स्ट और आगे वाला स्विच लास्ट। मालूम है भैया, पीछे है वो फर्स्ट और आगे है वो लास्ट, इतना ही है ना? ओके भैया। हाँ। पीछे वाला और आगे वाला, बूम। क्या हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ इसलिए देख रहे हो? फिर से करो। नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ। शूट शूट शूट। ये क्या, इन फूलों में से खुशबू नहीं आएगी? ये प्रैक्टिस होने के बाद उस दिन हम सब मिलकर वहां से निकल गए। भाइयों और बहनों, बस कुछ ही देर में हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांति बनाए रखिए। हमारे सपनों को साकार करने वाले और इंदिरा जी के प्रिय बेटे राजीव गांधी, हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी जी। उस फंक्शन के बाद सबको इंदिरा गांधी जी के स्टेचू के पास आने के लिए शिवराजन जी ने कहा था,
फिर हम सब दो ग्रुप्स में बट गए थे। की ओर ले जाने वाले हमारे यही नेता श्री राजीव गांधी जी हैं। लोगों के लिए अपना जीवन देने वाली इंदिरा गांधी जी की विरासत को संभाल रहे हैं ऐसे हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी, जिनके पास समय की कमी होने के बावजूद। मैं लता कन्नन और ये सब पार्टी के मेंबर्स, ये मेरी बेटी कोकिला। लता कन्नन इसकी लिखी हुई कविता वाक्यों में मेरी बेटी ने ट्रांसलेशन करके राजीव गांधी जी को भेजी थी। सर के सामने ये कविता पढ़ने के लिए परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, एक मिनट। सर, ये लता जी हैं, ये राजीव जी को कविता सुनाना चाहती हैं। और ये देखिए, इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, बस अब से थोड़ी ही देर में हम सबके, आप सबके प्रिय नेता राजीव गांधी जी पधार रहे हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला इसी तरफ बढ़ता हुआ, राजीव गांधी जी यहां पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। पीछे 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 पीछे। एक काम करो, दूर से ही अच्छे से फोटो ले लो। भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी अपने। दूर चले जाओ, पीछे का बटन ऑन कर दिया है, दूर चले जाओ। इस धरती पर पधारे हैं। वो बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट नो लक। चूंकि वो आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, इसलिए थ्रिल के लिए ये ऑपरेटिंग कर रहा है। ही इज ब्रिलियंट एंड एंथुसियास्टिक। धनुष सर, ये है मेजर शिवराम, इस ऑपरेशन के चीफ कमांडो फ्रॉम द कमांडोज। सर, मद्रास से एक अनऑथराइज्ड वायरलेस स्टेशन जाफना से कम्युनिकेशन कर रहा है, ये कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है सर। द कम्युनिकेशन इज इन अल्फा न्यूमेरिक कोड। I'm still trying to decode that rock station. Okay, try it. Sir, highly sophisticated equipment use किए गए हैं, very similar to Kashmiri militants. इसका मतलब है कि LTTA के काफी efficient militants ने इस पर काम किया है। Correct कहा सर, उसके लिए मैं try कर रहा हूँ, लेकिन उनकी frequency बार बार jump हो रही है सर। धनुष, उनके illegal station का पता लगाने के लिए कोई और उपाय है क्या? श्योर सर, जैसे वो अपना स्टेशन ओपन करेंगे तो पास के घरों के रेडियो, टेलीविजन और टीवी में डिस्टर्बेंस होगा। रवि सर, टीवी में कुछ डिस्टरबेंस आता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए हम एक न्यूज देते हैं। एक मुख्य समाचार, आपके दूरदर्शन में कुछ विघ्न आए तो तुरंत आप SIT ऑफिस को फोन करें। इसका नाम अधीरा है, शी इज अ ब्रिलियंट क्रिप्टोलॉजिस्ट। LTTE में कम्युनिकेशन कोड को अगर कोई सॉल्व कर सकता था तो वो ये। शिवा, यू नो,
राजीव गांधी को मारने में अगर मद्रास में कामयाब नहीं होते तो उन्हें दिल्ली में मारने का प्लान किया गया था। शी वाज सपोज्ड टू डू दैट। इस लड़की को इंडियन गवर्नमेंट के असाइनमेंट के दौरान वरदराज पेरुमल की भोपाल में हत्या करने के लिए जब ये ट्रेन से मद्रास की ओर जा रही थी तो हमारी टीम ने इसे फॉलो करते हुए अरेस्ट कर लिया। शी इज हियर नाउ। How much do you want? What? तुमको कितना चाहिए बोलो। You cannot buy me. वो घर किधर है जहां तुम सब लोग मिलकर रहते थे? बोलो। मुझे नहीं पता। उस घर में आपके साथ शिवराजन भी था क्या? शिवराजन कभी कभी आता जाता रहता था लेकिन शांतन हमारे साथ ही रहता था। शांतन कौन है? शिवराजन का अनुगामी शांतन था। उस घर का ओनर कौन है मालूम है क्या? उसका नाम क्या है? उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन ओनर उसकी वाइफ और बच्चों के साथ उधर ही रहता था। बच्चों के नाम पता है, तामाराई, सेवंधी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? पता नहीं। उनके स्कूल यूनिफॉर्म का कलर क्या है? तुम शांतनु हो, एलटीटी इंटेलिजेंट विंग इंचार्ज। शिवराजन को तुमने अपनी तरह से पूरी मदद की, उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, ओके? बताओ। शिवराजन को 2 दिन पहले देखा था मैंने। वो अब किधर है मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम उसके साथ कितने दिन तक थे? शिवराजन श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता था, बाद में उसने एलटीटी ज्वाइन की थी। शिवराजन का असली नाम भाग्यचंद्रन है। हमारे हाथ में जो हथियार है बस उसी पे भरोसा करना है, इसके अलावा किसी में विश्वास नहीं करना। आईपीकेएफ श्रीलंका से इधर आने के समय ईपीआरएलएफ लीडर पद्मनाभन को मारने की साजिश के लिए मुझे ही साथ लेकर आए थे। मैंने ही उन सबको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर उसके बाद मद्रास में शिवराजन ने उसे गोली से शूट कर दिया था और हम पकड़े नहीं गए। इसी वजह से राजीव गांधी को मारने के लिए हमें रिक्रूट किया गया था। शिवराजन के अब कहां जाने के चांसेस हैं? मुझे नहीं पता। इससे पूछकर सारी चीजों का विवरण लिखो। शिवाजी सर, कोयंबटूर के इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं जाकर कंफर्म करो। ओके सर। अल्फा 4 शिवा कमिंग ओवर। दीक्षण, पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है, बेहतर होगा तुम सरेंडर हो जाओ। तुम और तुम्हारे साथी बाहर आ जाओ। दीक्षण, दीक्षण, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हारे घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाओ। तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दीक्षण, तुम्हारे कुछ साथी अरेस्ट भी हो चुके हैं, वो अब हमारी कस्टडी में हैं। तुम अब भाग नहीं पाओगे, अच्छा होगा सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ। सॉरी भाई। क्या हुआ भैया, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? पूछ रहा है क्या हुआ है? हाँ, ये काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ये। मैंने इसको तैयार किया, अब ये काम ही नहीं कर रहा है। मैंने इसको बनाया था और ये मेरी बात ही नहीं करवा रहा है, इस पर बात ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। दीक्षण, अच्छा होगा बाहर आ जाओ। जाने दो, अब इसको छोड़ो, हमको निकलना है, रेडी हो जाओ। किधर जाना है भैया? एक आदमी है, हम दोनों को उसके पास ही जाना, चलो। भैया आप सच बोल रहे हैं ना? जा, जाकर सामान पैक कर।
दीक्षण तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरे घर के सामने चिल्ला रहा है, चल जा यहां से, जा। तुम लोग मुझे पकड़ोगे? चलो निकलो यहां से, जाओ। पैसा चाहिए? हाँ ये लो, ये ले, जितना चाहिए उतना रख ले, ये ले, और चाहिए क्या है? ये देख, इतना पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये ले। ए, और दूंगा, अब की बार चिल्लाए ना तो जान से मार दूंगा। पैसे चाहिए ना तुझे? ये ले, जितने चाहिए उतने दूंगा, पर मेरे घर के सामने इस तरह चिल्लाना बंद कर। ए, 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 चिल्ला मत। देखो मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। हे, तुम रेडी हो ना? भैया पैसे क्यों चलाए? हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। रेडी हो जाओ, जल्दी करो, चलो। हम सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बाहर आ जाओ। अच्छे से अपने बाल काट ले। तुम रेडी हो ना? हाँ भैया रेडी हूँ। सब कुछ तैयार है ना? हाँ। हे, खाने के लिए कुछ है क्या? हाँ। भूख लगी है क्या? हाँ भाई। ठीक है, तो फिर खाना खाकर चलते हैं। हाँ भाई। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, चलो। पेट भर के खाना खाना। हाँ भाई। आज भी सांभर ही बनाया हाँ? तुमको बहुत पसंद है ना? चलो अब खा लो, पहले तुम खाओ। मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो। भैया पहले आप खाइए ना। मैं बाद में खाऊंगा, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाए कितने दिन हो गए। लो खाओ, खाओ ना। बस भैया। अरे पेट भर के खाना खाएगा तभी तो जल्दी से बड़ा होगा हाँ? खाना खा लो, खाओ। भैया आप भी खाओ ना। क्या रे चिन्ना, क्या हुआ? पानी, पानी भैया। ठीक है, मैं तुझे चल के पानी पिलाता हूँ, चलो। ये क्या है भैया? 910 ओवर बोलो। 9 9। अरे क्या आप हुआ? जाओ भैया। भैया भैया ऐसी चेन मुझे कब दोगे? तुम्हें तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो गले वाली चेन कहाँ है? यही है भैया, गले में। भैया आप किधर जा रहे हैं? हम लंदन जा रहे हैं। भैया मुझे नीचे उतारो, मैं भी आऊंगा। भैया ये मेरे गले में कब पहनाओगे? देखो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, अच्छा होगा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ए, बस करो, मुंह बंद करो अपना। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ग्रेनेड और साइनाइड उसके पास है, क्या कर रहे हो ब्लडी फूल? बॉयज कॉर्नर की पोजीशन लो, फास्ट। शिवा सर, वी कमांडोज आर लुकिंग फॉर अ सरप्राइज एलिमेंट एंड दैट सरप्राइज एलिमेंट इज लॉस्ट। अब क्या करोगे? आई हैव टू लुक फॉर सेफ्टी ऑफ माय बॉयज। आई नो बट द सिचुएशन। आई विल ट्राई टू डू समथिंग, गिव मी द वायरलेस। ऑल द बॉयज टेक द पोजीशन। Downside clear. We are in our position. Okay, wait for my orders. नहीं मरेगा, हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जय तमिल एल्लम। Thank you.
सर उसके बारे में कुछ पता चला? वो दिल्ली में है, वो विशाखापट्टनम में है, यही सब लिख रही हो ना तुम? I have nothing to tell you. That means you failed in your duty. इस केस में मुख्य दोषी ने सुसाइड कर ली है। अब तक शिवराजन को भी आप पकड़ नहीं पाए हैं। SIT के लोग दोषियों को जिंदा पकड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसके बावजूद आप कमांडर चीफ हार मानेंगे? जिनको हमने पकड़ा है वो अब हमारी कस्टडी में ही है। हम कहां पर हार गए हैं? यू आर ऑल्सो ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, यू नो। हम उनके वायरलेस मैसेजेस को टैप कर रहे हैं, ये बात तुमने ही अपने पेपर में लिखी थी ना? अब तुमने देख लिया क्या हुआ? उनके सारे वायरलेस स्टेशन साइन आउट हो गए हैं। तो मीडिया वालों को शिवराजन से बहुत ही बड़ी प्रशंसा मिली है ना? सर हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हम भी हमारी ड्यूटी ही कर रहे हैं मैडम, लेकिन ड्यूटी के टाइम वही करना चाहिए जो देश हित में हो, तभी वो ड्यूटी कहलाती है। अगर आपने अपनी ड्यूटी की होती तो ये हादसा होता सर? ये आपके लोग ही बोल रहे हैं सर। लोग ये बात बोल रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अतीत में हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मरे हुए बेटे को सबने आर्टिक्स ब्लास्ट में मरा हुआ बेटा बना दिया, और इंदिरा जी को उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही गोलियां मारी थी ना? पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ और बेटे दोनों को देशद्रोहियों ने मार दिया। जरा उस बारे में सोचो तुम। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आई जस्ट कांट अग्री विद दैट। झगड़ा होने के वक्त शांति के लिए श्रीलंका में हमारी तरफ से भेजे गए इंडियन सैनिकों द्वारा की गई हत्या ही इस ट्रेजेडी का कारण है। आप मिलिट्री के लोगों को क्या ये इतिहास पता नहीं है सर? लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। सारी दुनिया में सब लोग सुख और शांति से रहें, ऐसा हमारे देश के लोग सोचते हैं। राजीव गांधी ने श्रीलंका में सैनिकों को इसलिए नहीं भेजा था कि वो वहां जाकर वहां के मासूम लोगों पर अन्याय और अत्याचार करें, और ना ही रावण के राज्य को अपना बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। विभीषण जैसे अच्छे आदमी को ताज पहनाने के लिए ऐसा किया। हमें सिखाने से पहले तुम जर्नलिस्ट थोड़ा होमवर्क भी कर लिया करो। हेलो, मद्रास SIT है क्या? हाँ। यहाँ पर टीवी में डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, एड्रेस बताइए। विलुकम गवर्नमेंट स्कूल के पास। हाँ बोलो। ठीक है, एड्रेस बताओ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। प्रॉब्लम ये कि टीवी में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पर सर, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। सर कौन सा एरिया? ये भी वही एड्रेस बता रहा है। विलुकम गवर्नमेंट स्कूल है ना सर, उसी के बिल्कुल पास में है। हेलो, मैं मुत्तू बोल रहा हूँ सर। हाँ। मेरे टीवी में डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? हेलो, हाँ कौन सा एरिया? सब एक ही जगह से आ रहे हैं। देखो अच्छा एड्रेस बोलो। सब कुछ गर्म है लेकिन इसे खाया नहीं गया है। That means ये लोग अभी यहां से गए होंगे। सर कल बात हुई है, वो टेलीफोन नंबर एक बार फिर से देखिए ना। शिवा, we have finished that exercise. सर excuse me, आप एक बार मेरी बात सुनिए ना प्लीज। सर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोयम्बटूर लोकल पुलिस ने जिस डिक्सन को अरेस्ट किया था उसका फ्रेंड विट्रे ने क्या बोला था? LTTA वॉर में घायल लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बैंगलोर लेकर गए थे ना? Yes. सर शंतनन ने इंटरोगेशन के दौरान बताया शिवराजन सुबह के साथ और गुरु सुरेश मास्टर भी उनके साथ ही है, आपको याद है ये बात? So, सर सुरेश मास्टर को अगर कोई चोट पहुंची तो वही लोग देखेंगे ना उसे। इतना ही नहीं, कोड़ंगियार के एक एसटीडी बूथ बिल में एक बैंगलोर का नंबर भी है। दैट मीन्स ये नंबर सुरेश का होना चाहिए। शिवराजन ऑल्सो कैन बी देयर, सो वी हैव टू मूव टू बैंगलोर। How are you? Hi. Welcome to Bengaluru. Thank you. By the way, meet my SCP Sambhaya. Hello. Nice meeting. Hello Ravi, how are you? Sir, this is Major Shivram, our NSG Operation Commander. Oh, well, nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Sir, वो टेलीफोन नंबर ट्रेस करके आइडेंटिफाई कर लिया है सर। वो इंदिरा नगर का है, सिंगल स्टोरेज हाउस, पॉश एरिया में है सर। सर, ब्लू फिएट कार और ग्रीन जिप्सी कल रात आई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। You are right. Sir, कोयम्बटूर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शिवराजन गैंग के पॉलिटिकल लीडर तिरुचि सेल्वन कभी कभी मिलते रहते हैं।
उसी की है वो ब्लू प्रीमियर फिएट कार, और वो जिप्सी अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो उसको लेकर जाने के लिए। सो आई गेस वी हैव टू गो इन फॉर ए स्विफ्ट ऑपरेशन। डन सर। शिवा, ऑल इज योर्स। सर, ऑपरेशन से पहले मैं उस घर को सर्च करना चाहता हूँ। सांबाया, आई वांट टू रेकी दैट प्लेस। श्योर सर, आई विल टेक यू। सर, अब मुझे उस घर का ब्लूप्रिंट चाहिए। वहां से आने से पहले तुम्हारे टेबल पर रेडी होगा। सांबाया, इस कॉलोनी के बारे में बताओ जरा। वेरी डिसेंट कॉलोनी है सर, यहाँ आसपास के लोग बात नहीं करते। सर, यही वाला घर है। ड्राइवर, कार पीछे लो। ओके बॉयज, ये है हमारे ऑपरेशन की जगह का ब्लूप्रिंट। अगर वो लोग फायर करते हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट फायर टू किल देम। अगर उनसे कुछ भी गलती हुई तो वो लोग साइनाइड खाकर सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, और कमांडो के बंदूक की गोली से भी जल्दी मारता है साइनाइड, ये तो पता है ना। सो वी शुड बी अलर्ट एंड फास्ट एज अ बुलेट। डोंट लूज एनी चांस फॉर अ सरप्राइज। ओके ओके मेजर, मी एंड माय हेड इज ऑलवेज फॉर यू। दीपक सर, टेन एंटर द हाउस फ्रॉम द बैक साइड। वी विल एंटर फ्रॉम द टॉप। मूव करेक्टली। एब्सोल्युटली एट द स्पॉट। Deepak sir, wait for my command. When I signal, then go for the action. Huh. Surprise lost! Blast! Hey, what the hell is this? There was nothing in blueprint here.
Hey, come on, go back. Give me gun. Doctor, Ricky. Call the doctor. Call the doctor. यहां क्या कर रहे हैं आप लोग? What the hell are you doing, man? Come on, give it soon. I'll do it. Sir. Shut. Call the doctor. Okay. Give him the oxygen right now. Shut. Take him to the hospital, man. Move. सर, ब्लूप्रिंट में दीवार भी नहीं है. इलीगल तरीके से हाउस ओनर ने दीवार एक्सटेंड की है. दैट डिलेड मी 15 सेकंड्स. घर में कुछ करना है तो इसकी इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपैलिटी को दी जानी चाहिए. ये बात सीरियसली नहीं ली गई सर. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज अ मैन. एंड व्हाई डोंट यू ब्लास्ट द बैक डोर? शिवा प्लीज, एटलीस्ट माइंड योर वर्ड्स. आई एम योर सीनियर ऑफिसर. यस सर, यस सर. और तुम लोग इतने दिन मेरे साथ थे, व्हाई डिडंट यू डू दैट? शिवा प्लीज, इट्स माय फॉल्ट. ओके, I admitted it's my fault. See, this is my first operation, okay? सर, आपको पता है कमांडो के लिए एवरी ऑपरेशन इज अ फर्स्ट ऑपरेशन. अगर फर्स्ट ऑपरेशन में हार गए तो वही लास्ट ऑपरेशन होता है. एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑपरेशन. एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन. सर, इस तरह का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट हम जैसे ऑफिसर्स को ज्यादा तनख्वाह देती है. सो इट्स आवर प्रिविलेज टू फेस द एनिमी फर्स्ट. कम ऑन, टेक हिम. One is dead, but one is alive, sir. Major, sir. Major, Shiva, sir. Shiva, sir. Suniye, sir. मुझे पहचाना सर? श्रीलंका में आपके कैंप के पास मेरा घर था सर. आपको याद है सर, मेरा नाम है वीरेश. वीरेश सर, निलवानी कैंप फायरिंग सर. तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि इधर खाना लेकर मत आया करो? तुम वाकई एक प्रॉब्लम बन गए हो. ये माँ ने भेजा है सर, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो माँ मुझे डांटेगी. एए, वो वहीं रहने दो, उठाना मत. सर, इसमें से एक मैं ले लूं सर?
उसका तुम क्या करोगे है? उसे वहीं छोड़ दो, वो जान लेने के लिए है, किसी को देने के लिए नहीं है। वो तुम्हारे कुछ काम के नहीं, फेंक दो उसे। इसे गले में पहनूंगा सर, लॉकेट बनाकर। मतलब तुम आनेगा नहीं? हाँ ठीक है, ले ले। थैंक यू। ये चिड़िया मलबार बेलहामी है ना? नहीं सर, ये तो ब्लू फिश मलहोवा, लोअर एटीट्यूड में उड़ने वाली चिड़िया है सर। इस सीजन में श्रीलंका में बहुत आती है सर। तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, फिर ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब मेरे पापा की वजह से है, वो पूरे इंसाइक्लोपीडिया है सर, उन्हें सब कुछ पता है। ऐसा प्यारा था तू, फिर इन लोगों के साथ कैसे मिल गया? जब तक आप वहां थे सब कुछ ठीक था, बहुत शांति थी सर, घर में सब लोग सुखी थे। पर गलत काम देखकर मेरा परिवार चुप नहीं रहा सर, मेरे परिवार ने गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाई सर। वो श्रीलंका का यूएनपी का लीडर, वो हैवान था सर, वो लोग पूरे भेड़िए थे सर। उन लोगों के साथ श्रीलंका की पुलिस भी मिली हुई थी। मुझे बचाने के लिए उस दिन मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी सर, लेकिन उन लोगों ने उन लोगों ने मार दिया, सबको मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरी फैमिली में सबको मार दिया सर, किसी को नहीं छोड़ा, वो हैवान थे सर। मेरे माँ बाप को मारने के बाद वो लोग मेरी बहन की तरफ बढ़े सर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का रेप किया सर। ये सब देखकर मैं कैसे चुप रहूं सर? मैं बदल चुका हूं सर, मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। अपने परिवार का बदला लेने के लिए मैं बदल गया। केस के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है सर। पहले मुझे लगता था वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है, लेकिन अब लगता है कि एलटीडी सही है सर। वो तुम्हें लगता होगा, हमको नहीं लगा। सिंघलियों को बचाने के लिए हम लोग उधर आए थे, तब तुम लोगों ने हमारा स्वागत किया था ना,
एलटीटी के पास ही इंडियन आर्मी कैंप होता था, याद नहीं है क्या? यस, 15 दिन, 15 दिन में सब कुछ हो गया था। तेरे 14 टॉप लीडर्स ने जाफना होटल में साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। उनको आईपीकेएफ ने नहीं मारा। किसने मारा सोचा कभी? नहीं, श्रीलंका यूएनपी आर्टिकल में आया था आईपीकेएफ और एलटीटी एक ही है, एंड दे वर ऑन द बैक। वो सच तुम लोगों ने नहीं जाना और हम लोगों को वहां से भेज दिया। इंडियन मिलिट्री के हजारों जवानों को मार दिया गया। यस, इंडियन आर्मी हाथ पीछे बांध कर चली गई वहां से, और आते वक्त इंडियन आर्मी ने वहां की लड़कियों का रेप किया, ऐसा गलत आरोप लगाया गया। अगर एक दो लोगों ने ऐसा किया था तो उन लोगों को 10 या 15 साल की बहुत ही कठिन सजा सुना देनी चाहिए थी, लेकिन पूरी इंडियन आर्मी को इसके लिए बदनाम करना गलत नहीं है? ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उस समय राजीव गांधी ने आईपीकेएफ को तुम्हारी समस्या सुलझाने के लिए वहां भेजा था। अगर आईपीकेएफ वहां नहीं गई होती तो अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को वहां भेजने वाली थी, और ये मेरे देश के लिए खतरा होता। श्रीलंका नेवर वांटेड आईपीकेएफ टू बी देयर। ये दिल में रख के श्रीलंका के नेवी ऑफिसर्स ने पहले भी ग्राउंड में राजीव गांधी पर अटैक किया था। हम इंडियंस को तुम्हारे प्रति सहानुभूति है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? इस देश की प्रगति करवाने वाले महानायक नेता की हत्या कर दी तुम लोगों ने। तुमने जो जघन्य अपराध किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं है और कोई माफी नहीं उसके लिए। As far as me, like a commando is concerned, कोई भी ग्रुप इंडियन एनिमी बोलकर स्टैंप लगाकर मेरे सामने आया, उसमें चाहे मेरा पिता हो, मेरा भाई हो या कोई भी हो, I'll just shoot him down, and that's my duty. वीरेश के लिए आपने जो कुछ भी बोला वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा सिस्टम उन सबके खिलाफ है। What system are you talking about, sir? राजीव गांधी की जिस दिन हत्या हुई 21 मई को, उस दिन शाम 4 बजे कोलंबो से इंडियन एम्बेसी को फोन करके कोई पूछता है कि राजीव गांधी अभी जिंदा है क्या? यस yes. सर, अगर उसी दिन इंडियन एम्बेसी के उस ऑफिसर ने हमें फोन करके बताया होता तो राजीव गांधी आज जिंदा होते। वो ऑफिसर भी इस सिस्टम का ही एक हिस्सा है सर। यूनिफॉर्म पहन लिया तो मानवता को भूल जाना चाहिए, ऐसा किसी ने बोला है क्या सर? I request you to consider this case, sir. वो जो लड़का है ना वीरेश, वो एक अच्छे इंसान की तरह जी रहा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे ऐसा बनना पड़ा। बट शिवा, वो अब राजीव गांधी केस में अपराधी है। नहीं सर, वो श्रीलंका के युद्ध में घायल होने के कारण यहाँ इलाज के लिए आया था। उसके जैसे बहुत सारे एलटीटी के लोग यहाँ हैं, तो क्या वो सब अपराधी हैं? तो अब हमें क्या करना होगा? वीरेश को शरणार्थी आश्रम भेज दिया गया तो वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। ओके शिवा, मैं ट्राई करता। थैंक यू सर। वीरेश, सर आपका शुक्रिया मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। इस नई जिंदगी में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे। वो तो पता नहीं सर, पर मेरे दिल में आप हमेशा रहेंगे सर। जब भी आपको वक्त मिले तो उस तरफ आइएगा जरूर। चलता हूं वीरेश। इसे मेरी याद समझकर अपने पास रखिएगा सर। श्रीलंका वाले शरणार्थी बनकर यहीं रह रहे हैं। वो कौन सी जगह है? शहर से बाहर मांडिया डिस्ट्रिक्ट में। उस गांव के एक आदमी ने बताया कि फिल्मों की शूटिंग है, ये कहकर एक दो घर किराए पर लिए गए। शिवराजन ग्रुप के लोग वहीं पर रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए पुलिस को वहां भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ संभैया, रेड की क्या? बिल्कुल की सर। कितने लोग हैं? 17 सर। उनको कहाँ लेकर गए? 12 लोग साइनाइड खा के ऑन द स्पॉट मर गए सर। 5 लोग बचे हैं जिन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं सर, पर एक को भी भागने नहीं दिया सर। बकवास बंद करो। किसने भेजने के लिए कहा था तुम्हें? एक को भी पकड़ कर नहीं ला सके। तुम्हें भेज कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामलिंगम सर प्लीज, एटलीस्ट अब से जिस जगह पर कमांडोज की जरूरत हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लानी हो तो किसी पुलिस वाले को मत भेजिएगा। सॉरी रवि। कुछ नहीं मिला सर। थोड़ी कॉटन या मेडिसिन भी नहीं मिली क्या? सर मुझे एक किताब मिली है सर। कैसी किताब? उसमें सिर्फ किराने की सामान की लिस्ट लिखी है सर। इधर दो।
अंजनाप्पा कैंपना हल्ली। इसमें उसका नाम और एड्रेस है सर। हाँ वही है, हमारे केरल में के नायर पलक्कड़ जैसी जगह है वो। रवि सर, कैंपना हल्ली गए तो अंजनाप्पा का एड्रेस मिलेगा। आई थिंक इज पर्सनली रिलेटेड टू दैट सुरेश मास्टर हु इज द केयर टेकर ऑफ LTTE इंजर्ड कैंडिडेट्स। अंजनाप्पा घर का ब्रोकर होगा। उसको ट्रेस करके पकड़ा तो तमिल लोगों को घर किराए पर दिया है ये पता नहीं चलेगा। आप रंगनाथन की वाइफ हो क्या? हाँ सर। सब सच बोल रही हो ना? हाँ सर, वो शिवराजन है, पहले हमें पता नहीं था सर। वो शिवराजन है ये पता चलने के बाद मैंने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा था सर। मुझे अस्थमा है सर, मुझे हॉस्पिटल जाना है, ऐसा मैंने उन्हें कहा था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, बस यही हुआ था सर। सर क्यों, कृष्णा गौड़ा का करेक्ट प्लेस पता चला क्या? सर उस एरिया के बारे में तो पता नहीं चला सर, लेकिन कृष्णा गौड़ा सिटी के बाहर है। वहाँ चलते हैं। सर आप इनसे और कुछ पूछाते हैं क्या? अब जो भी पूछेंगे इनसे नहीं, हम उस शिवराजन से पूछेंगे। ए गौड़ा, उनको पकड़ने के बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। CBI के सामने मुझे बेइज्जत करने वाले कमिश्नर को मेरा पावर दिखाना है मुझे। देखना तुम, शिवराजन के साथ फोटो खींच कर उस कमिश्नर को दिखाऊंगा। जिन लोगों ने राजीव गांधी जी की हत्या की उन लोगों को संभाया और उसकी टीम ने पकड़ा है। कल लोगों के बीच यही बात होनी चाहिए, तब सबको पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। ए ड्राइवर। हाँ चिकन, टेक द कॉल। हेलो, ओके सर। सर हाँ, कॉल फॉर यू सर। हेलो मेजर शिवराम हियर सर। ओके सर, मैं अभी आता हूँ सर। ओके बॉयज, द वेट इज ओवर। Shivarajan is cornered. Come on, we are on the move. Shiva? Yes. इसे खा लें फिर चलें क्या? Doctor, अन्य department वालों के लिए ये सब कुछ होता है, पर military वालों के लिए नहीं. Come on, guys, move. इसके husband रंगनाथन ने शिवराजन group को एक temporary घर रहने के लिए किराए पर दिया है. But शिवराजन आज भी कोटान कुंडा में ही रहता है. It's another hideout. संभया वो घर लोकेट करने के लिए गया है। कोटाना कोंडा घर में कितने लोग रहते हैं जरा ये बता। 7 लोग नहीं, 8 लोग सर। शिवराजन के साथ और कौन थे? नामन्ना पहले आया था सर, सुरेश मास्टर, अमिली, शुभा, मीरा, रंगन्ना, अमन, उनके साथ एक ड्राइवर भी आया था सर, फिर एक लेडी भी आई थी सर, उसका नाम था जमुना। जैसा आपने बताया वैसा वो सब लोग वहाँ एक साथ ही रहते हैं क्या? रंगन और मीरा कभी नहीं रहते थे सर, क्योंकि वो हमेशा गाड़ी लेकर बाहर जाते थे। वो लोग नहीं आते थे तो ये लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे। उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह होते हैं क्या? हर वक्त उनके हाथ में एक पिस्टल होती थी, पिस्टल के बिना वो कहीं बाहर नहीं जाते। शिवराजन के हाथ में हमेशा मशीन गन होती थी। So that is AK-47. And pistol. Benny, sir. इनसे और कुछ जानकारी लेकर मैं कैसे स्केच आउट ऑफ इट। एनी पॉसिबल एरियल विजन ऑल्सो। दिस इज आवर टारगेट हाउस। सर हमें ऑपरेशन अभी करना है क्या? वहाँ दूध वालों के जरिए हम शिवराजन को पकड़ सकते हैं। वो लोग इतने बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अगर उन्हें दूध भी पीना है तो पहले एक आदमी पिएगा, उसके बाद सब लोग पिएंगे। पहले वाले को जब कुछ नहीं होता है तभी दूसरे पीते हैं, अदरवाइज नहीं पीते हैं। उन्हें अंडरस्टैंड, अगर उन्हें गैस लीक करके बेहोश करें तो? दैट्स नॉट पॉसिबल सर, सबका रेजिस्टेंस पावर एक जैसा नहीं होता, तो ऐसे ही सब लोग एक साथ बेहोश नहीं होंगे। अगर उसमें एक भी होश में रहा दे'ल गेट अलर्ट, इफ पॉसिबल साइनाइड खा के मर जाएंगे, नहीं तो एक दूसरे को शूट कर देंगे, और हमें कैसे भी उन्हें जिंदा पकड़ना है। सो द ओनली पॉसिबल वे इज द कमांडो ऑपरेशन। So, this is our target house. इस घर के पास एक और घर है, इसमें कोई फैमिली है। इस रोड से मेन रोड तक कनेक्शन, इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस एक टर्निंग है, वी कैन अप्रोच फ्रॉम हियर। इस घर से हमें कवरिंग में मदद मिलेगी। नाउ एज पर द इंफॉर्मेशन,
इस टारगेट हाउस में टेरेस से नीचे जाने के लिए एक डोर है। देयर इज अ विंडो दिस साइड एंड दिस साइड। ये है किचन डोर। नाउ जेंटलमैन, वी हैव टू ऑप्शंस। हिट नंबर वन, इस हाउस से इस हाउस तक एक सीढ़ी लगानी है, फिर टारगेट हाउस के टेरेस के ऊपर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। और हिट नंबर टू ये है कि इस साइड से जाकर डिकोड करके इस कॉर्नर से अप्रोच करना है, बिकॉज इस घर के बाहर विंडो नहीं है। हिट नंबर थ्री विल कवर फ्रॉम हियर, उसे कॉर्नर में जाकर कवरिंग पोजीशन लेनी है। हियर इज द कवरिंग टाइम जस्ट इन केस रिक्वायर्ड। इस घर के स्ट्रक्चर को देखते हुए शिवराजन के वो सात लोग भी एक ही रूम में रहते होंगे। हमारा मूवमेंट उन्हें पता चला तो हम फ्रंट डोर से आएंगे, ऐसा वो सोचेंगे। नाउ हम सब मूव होकर यहां से पोजीशन लेने के बाद बैक डोर टेरेस डोर ब्लास्ट करने के बाद हमें फिर से मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स, क्योंकि एक्सप्लोजिव साउंड के शॉक में उन लोगों को 3 सेकंड का पता ही नहीं चलेगा। और इन 3 सेकंड में हम लोगों को अंदर जाकर उनमें से किसी को भी साइनाइड खाकर मरने से रोकना है। अगर उन्होंने फायर किया तो काउंटर फायर करना है, बट विदाउट किलिंग, माइंड यू, विदाउट किलिंग। Now let's move. Seconds from now to start the mission. Set your watches.
सर, शिवराजन का लोकेशन आइडेंटिफाई हो चुका है। मेजर शिवराम एंड बॉयज आर रेडी टू डू द ऑपरेशन राइट नाउ। मेरी मौजूदगी में ऑपरेशन होना चाहिए रवि। मैं कल मॉर्निंग 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी सीबीआई डीजी को इन्फॉर्म कर दिया है। वो अभी दिल्ली में है। वो भी कल 10 बजे उधर पहुंच जाएंगे। सर, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 10 बजे सर। सर सर, मेजर शिवराम वांट्स टू टॉक टू यू। ओके। हां, गुड इवनिंग सर। मेजर शिवा हियर। हमें आज रात को ही ऑपरेशन पूरा करना है सर, नहीं तो कल सनलाइट में ऑपरेशन पूरा करना बहुत मुश्किल होगा सर। हमने जिस मुरुगन को अरेस्ट किया, अगर वहां नहीं पहुंचा तो शिवराजन अलर्ट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे आने के बाद ऑपरेशन स्टार्ट करो, तब तक उधर ही वेट करो। कल 10 बजे ऑपरेशन, मतलब चांसेस 50-50 आइदर मी और हिम, एंड आई कैन नॉट प्रॉमिस यू दैट आई विल कैच हिम अलाइव। नो नो, आई विल टॉक टू यू सेपरेटली। सर प्लीज अंडरस्टैंड मी। टुमारो, वी विल मीट टुमारो। सर सर, व्हाट आई से इज दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉर्मिंग आवर ऑपरेशन। आई नो शिवा, आई नो। सर वो आता है या नहीं, लेकिन सिचुएशन तो हमें ही हैंडल करनी है ना। सर आप बस ऑर्डर दीजिए, आई विल डू इट। ऑर्डर देने का अधिकार उनके पास है। सर दैट शोज हिज सेल्फिश इंटरेस्ट टू टेक क्रेडिट अवे। आई हेट दिस ब्यूरोक्रेटिक सुपीरियरिटी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वेट कर रहे हैं उनको जिंदा पकड़ने के लिए, और हम क्या रास्कल्स है क्या उनकी रखवाली करने के लिए। ए तुम जाओ। स्टॉप स्टॉप, अरे रुको रुको, अरे रुक। ए सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाउ फार इज द हाउस? इधर ही है सर। वेयर इज इट? वो वाला है सर। तेरा टाइम अच्छा है जो इस वक्त यूनिफॉर्म में है। सर कॉर्नर करना है तो हमें मिनिमम हाफ किलोमीटर दूर रहना होगा। हमारा प्रोग्राम उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो सब नींद में होंगे। सर तेरे पुलिस वालों को वापस बुला। कॉल योर ब्लडी पुलिस कॉप्स। गो बैक। जी सर। गो बैक। जी सर। Come back. दीपक सर, यू टेक द राइट पोजिशन और सबको अलर्ट करना। ओके गाइस, कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। यू टेक दैट पोजिशन सर। जोगी, वहां गाड़ी है ना, वहां जाकर पोजिशन ले लो। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। गो सर। व्हाट विल बी पोजिशन सर? ओके सर। ओके ओके। रवि सर, यू टेक द सेम पोजिशन प्लीज। शिवा, हाँ टेक केयर। हाँ सर, आई एम मेजर शिवराम फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आई नीड योर हाउस। There is danger behind your house. Please don't make any noise. Vacate the house immediately. Trust me, please. There is a car waiting for you outside. You can check in any hotel. I'll pay for that. Thank you. Sir, take care of the child. Go in. Thank you.
रवि सर, एनीवे वन थिंग इज वेरी क्लियर, वो सरप्राइज नहीं होंगे, अभी उनको पता चल चुका है। सो वी हैव टू लॉन्च द ऑपरेशन इमीडिएटली। दिल्ली से या हैदराबाद से कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? एनीथिंग पॉजिटिव? सॉरी शिवा, नेगेटिव। Hit number one. Find out when Colonel CEO Vision is coming. क्या कह रहे हैं? अरे CEO साहब कब आ रहे हैं? पता लगाओ. माजी रुको। क्या सर? उस घर में कौन रहता है? कौन रहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है जाओ। रवि सर, सुबह हो रही है, एटलीस्ट लोगों बाहर आने से पहले कैन आई गो इन? सॉरी शिवा, पार्थिवन सर अभी तक नहीं आए हैं। शिवा, और कितनी देर वेट करना है? नो ऑर्डर्स, वेट करना ही पड़ेगा। रवि सर, एनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन? नेगेटिव। हाँ मैंने भी देखा था। ए जरा वहाँ देख, वहाँ पुलिस क्यों खड़ी है? चलो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो। चलो यहाँ से, चलो 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 निकलो, चलो 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 निकलो, अपना बोरिया निकालो यहाँ से। सर, सर आपके लिए खाना लाया हूँ। तुमने खाया क्या? हाँ सिंपल चिकन बिरयानी है सर। व्हाट अबाउट माय बॉयज? बॉयज बॉयज जाकर लेकर आता हूँ सर। वेट 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 सर, ये भी तुम्हें खा लो। एंड डोंट कम अगेन टू मीट मी हियर, गेट आउट। ओके सर, आई वोंट कम सर, थैंक यू सर। शिवा, पार्थिवन सर आए हैं, प्लीज कम आउट। सर, मेजर शिवराम इज कमिंग।
शिवा, दिस इज डीजी सीबीआई मिस्टर अजय किरण. सर, ही इज मेजर शिवराम. सो व्हाट इज योर प्लान नाउ? आई हैव नो प्लान सर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू आर द ऑपरेशन कमांडर. यस सर, आई नो. हमारा प्लान पूरा सुबह 5 बजे हो गया सर. उसके पहले तो हम उनको जिंदा पकड़ सकते थे. अब कितने लोगों को जिंदा पकड़ेंगे, कितने लोग बचकर आएंगे पता नहीं सर. इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर. यू आर साउंडिंग लिल एरोगेंट. नो सर, जब एक जूनियर ऑफिसर अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो सीनियर ऑफिसर को एरोगेंट ही लगेगा. आई एम टेलिंग द फैक्ट. सरप्राइज एलिमेंट लॉस्ट हो चुका है एंड दैट इज यस्टरडे नाइट. ऑपरेशन जल्दी स्टार्ट करने के लिए मैंने और रवि सर ने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हमें ऑर्डर मिला आपके आने का इंतजार करने का. नाउ यू शुड टेल मी द कमांड, आई विल एग्जीक्यूट इट. एक्चुअली मिस्टर शिवा, वी आर वरीड अबाउट योर लाइफ. आई थिंक वी अरेंज फॉर सम मोर कमांडोज. एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ 1000 कमांडोज भी भेजेंगे तो भी ऑपरेशन मैं और मेरी टीम ही करेंगे. ये ऑपरेशन मैं किसी को नहीं दूंगा. अगर हमें कुछ हुआ तो भी वी आर प्रिविलेज सर. लेकिन आपका रिस्क फैक्टर है ना सर, उसके लिए गवर्नमेंट महीने में 1200 रुपए रिस्क अलाउंस दे रही है ना सर. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम. प्रेस, यू कैन कम फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्लीज कम सर. रवि सर, आपका डिसीजन बताइए. आई एम हियर. एक्सक्यूज मी सर. व्हाट डू यू वांट? नाउ नथिंग सर. आई एम रियली सॉरी. नजदीक में कोई स्टडी बूथ? हाँ है सर. सर पास में एक स्टडी बूथ है, एक के बाद एक जाकर घर फोन कर लो. और आप? मेरे घर पे फोन करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो जाओ. सर, सर. ए, चलो पीछे हटो सब लोग, चलो पीछे जाओ, कोई आगे नहीं आएगा. क्या किया तुमने? साहब जी, आपने बुलेट प्रूफ नहीं पहना था ना. तूने क्यों नहीं पहना? तूने क्यों नहीं पहना? अपना ख्याल नहीं है? बड़ा आया मेरा ख्याल रखने के लिए. डॉक्टर, डॉक्टर, टेक हिम. आई वांट हिम अलाइव. कम ऑन, गेट द कार. चलो चलो जल्दी आओ, आ जाओ. गेट इन, गेट इन. मूव मूव. All heads. Shoot all the window glass. Rows are ready. Sir, please come on the line. Carry on, Shiva. I want the fire post to light up the target house. Koi bhi bachna nahi chahiye. Please, fast. Ravi sir, ye hamara last chance hai. Abhi hame jana hai. Please give me command. Shiva. शिवा, मेरी आवाज सुन रहे हो? शिवा,
शिवा, से अगेन। नो सर, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। शिवा, क्या हुआ? विजय सर, सब कुछ हाथ से निकल गया। What's your plan? सर, हमें बैकडोर से जाना है, हिट टू कॉर्नर से। ओके, गेट योर वॉइस मूव। सर, ऑर्डर्स नहीं है ना? आई एम गिविंग द ऑर्डर। थैंक यू सर। कैन आई बी ए पार्ट ऑफ योर टीम? You can command, sir. No, वो तुम्हारे rights हैं और तुम team leader हो. Then that's my privilege, sir. Thank you. Boys, get ready. Stand by. Stand by. Go. Major Shiva has done an excellent job. Colonel Vijay, we must recommend him for a President Gallantry Medal. Yeah, that's right. Excuse me, sir. With your permission. Sir, क्या कहा आपने? Medal recommend करेंगे? It's a belated about operation. राष्ट्रपति के हाथों से ऑलरेडी दो मेडल्स मैं ले चुका हूं सर. और जानते हैं सर वो किस लिए मिले थे? क्योंकि 10 बुलेट मैंने अपने ऊपर झेली थी. लेकिन अब गैलेंट्री मेडल, ये ऑपरेशन आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो मेडल आपकी छाती पर होंगे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि लोग जब मुझसे पूछेंगे कि मुझे तीसरा मेडल कैसे मिला, तो कहूंगा कि साइनाइड खाकर जो लोग मरे उनके कारण मुझे ये मेडल मिला। इस ऑपरेशन में मुझे उन्हें जिंदा पकड़ना था, ये सोचकर मैं बहुत खुश था। पूरा हो भी गया था, लेकिन आकर गो एंड किल बोल दिया। ये एक दिन मरने ही वाले थे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को जिंदा पकड़ने की उम्मीद भी चली गई सर। Because of your bloody personal interest, सब कुछ बर्बाद हो गया। शत्रु हो या मित्रों, इस जमीन पर सिर्फ खून ही गिरेगा। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ इनके और इनके कारण ही यह ऑपरेशन फेल हुआ। आपका रिकमेंड किया हुआ गोल्ड मेडल आप ही रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू शिवाजी। थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। आज 20th August राजीव गांधी जी का बर्थडे है। ये ऑपरेशन इतना डिले हुआ है, ये बर्थडे गिफ्ट सोच सकते हैं। ओके बॉयज, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। हरिया, लेट्स गो, मूव फास्ट।